आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण चुनाव के नामांकन पत्रों के स्क्रूटी में निर्दल प्रत्याशी अनिल यादव का पर्चा किया गया खारिज। भाजपा प्रत्याशी सीपी चंद और सपा प्रत्याशी रजनीश यादव का पर्चा किया गया वैध। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी। जिले के नागरिकों की समस्याओं के निस्तारण के लिए जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम का नंबर किया जारी। जिला अधिकारी ने कहा 0551220419 पर कॉल करके दर्ज करवा सकते हैं अपनी शिकायत। शीघ्र किया जाएगा उनकी शिकायतों का समाधान। दो पहिया वाहनों को चुराकर नेपाल ले जाकर बेचने वाले अंतरजनपदीय वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 8 चोरी की मोटरसाइकिल किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने विश्व क्षय रोग दिवस पर कहा टीवी को 2025 तक किया जाएगा खत्म। सीएससी पीएससी पर लोगों के सैंपल को किया जा रहा है कलेक्ट। 4600 टीवी मरीजों को किया गया है चिन्हित। बेसिक शिक्षा विभाग के संचालित योजनाओं की प्रगति की जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने एनएक्सी भवन के सभागार में की समीक्षा बैठक। कहा जिन गांव के विद्यालय में अच्छा हुआ है कार्य उस गांव के प्रधान सचिव अध्यापक को किया जाएगा सम्मानित। टीवी उन्मूलन के संबंध में सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ विकास भवन के सभागार में की बैठक। कहा समन्वित सहयोग से खत्म होगा टीवी। दवा विक्रेताओं से किया अपील। कहा बिना डॉक्टर की पर्ची के ना दे कोई दवा। भाजपा महानगर के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में महान क्रांतिकारी अमर शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के बलिदान दिवस पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अर्पित की भावपूर्ण श्रद्धांजलि। कहा इन सेनानियों के सपनों को पूरा करने के लिए संकल्पित होना ही होगी इन महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि। जिले में कलेक्ट्रेट में स्थित ई डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम पर आईजीआरएस के माध्यम से आई शिकायतों का किया जा रहा है निस्तारण। जिलाधिकारी ने कहा कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत आईजीआरएस पर करवा सकता है दर्ज। सभी समस्याओं का किया जाएगा समाधान। गोरखपुर में गुरुवार से 199 परीक्षा केंद्रों पर शुरू होगा बोर्ड एग्जाम। जिलाधिकारी ने कहा सीसीटीवी की निगरानी में सभी स्कूलों पर सकुशल संपन्न करवाया जाएगा एग्जाम। नकल करते वक्त पकड़े जाने पर की जाएगी कठोर कार्रवाई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती तथा शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के शहीदी दिवस पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। लिया उनके बताए रास्तों पर चलने का संकल्प। गोरखपुर में बुधवार को पाए गए 2 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में अब एक्टिव केस की संख्या हुई 215। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। चौबीस मार्च को मनाया जाएगा विश्व टीबी दिवस। टीबी के मरीजों की जांच तथा ट्रीटमेंट पूरे भारत में है निशुल्क। चेस्ट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नदीम अरशद ने दी जानकारी। और लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा आयोजित ऑल इंडिया प्राइज मनी लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी प्रतियोगिता के चौथे दिन विदर्भ और वाराणसी के बीच खेला गया मैच। वाराणसी ने जीता मैच। वाराणसी के शशांक को दिया गया मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार।